बहुत सारे संत भी बैठे हुए हैं। क्या बाबा ये बताइए, हनुमान जी को लेकर के जो फिल्मों में विवाद चल रहा है उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना, क्या राय है आप लोगों? रामानंद सागर जी का जो रामायण बना है, जिन्होंने दिखाया है रामायण को, वो जन जन में बैठा हुआ है। उसके अतिरिक्त अगर हमारे देवी देवता का कोई चरित्र चित्रण अलग ढंग से करे तो ये स्वीकार्य नहीं है। जिस तरह से हनुमान जी महाराज को दिखाया गया है, ये किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत किया है, ये सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहा है। इसे अविलंब इसे सजा मिलनी चाहिए, उसे प्रतिबंध होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि सिनेमा को सिनेमा की तरह देखिए, उसको आस्था की तरह नहीं देखिए। जो मनोज मुंतजी शुक्ला हैं वो कहे कि जब वो डायलॉग लिखते थे तो अपने कमरे में जूते और चप्पल नहीं उतार कर बाहर रख देते थे, तो ये उनकी भावना थी। तो आप उसको सिनेमा की तरह देखिए, आस्था की तरह नहीं देखिए। सिनेमा का मतलब ये तो नहीं ना होता है आप किसी देवी देवता को आप अपमानित करेंगे, सनातन धर्म को अपमानित करेंगे आप। ये सिनेमा के माध्यम से आप क्या क्या दिखा रहे हैं लोगों को, ये तो आप शुद्ध करके अन्याय कर रहे हैं ना। अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय है। अरे बाबा रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे ये तो बताइए आप, अन्याय अन्याय किस मायने में है? अरे आप बताओ तो आप, हाँ क्या मतलब मुनासिब ही नहीं है बोल रहा आपका? क्यों हनुमान भक्त तो ये इतना सारा जो राय होने के बाद क्या बोलना है, बोल के पाप अपने सर पे क्यों ले रहा है? मन साले जाने दो, बोलना भी पाप है। बिल्कुल 300 करोड़ कमा चुकी वो फिल्म, कमा के पूरे देश को भ्रष्ट कर रही है। देवी देवता को अपमान कर रहा है और क्या करेगा? अरे आपसे 100 मीटर की दूरी पर फिल्म चल रहा है, 300 ये भ्रष्ट युग है, कलयुग है, जो नहीं हो रहा है वही कम हो रहा है। क्या बाबा आपको भी ऐसे ही आपकी भी आस्था टूटी है? कभी भी हनुमान जी के साथ जो दिखाया गया है, रामचरितमानस को दिखाया गया है, ये जस्ट उल्टा दिखलाया गया है। जैसे आपका नाम है और आपके नाम को उल्टा कर दिया जाए, तो किसी को फिल्म दिखाने के लिए किसी की आस्था से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। क्योंकि हनुमान शब्द कहाँ से आया है? पहले उसको रामानंद सागर जो बनाए थे रामायण, तो उसमें एग्जैक्ट पात्र को लगाए थे, वो चीज़ को नहीं दिखाया है। ये जस्ट अब राम को रावण दिखा दे, रावण को राम कर दे, तो दिक्कत क्या है? डायलॉग जो है वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी बुआ का बगीचा है? एक बात सुनिए, देखिए ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन किन विचार, जौन ब्रह्म सर्वमान्यो महिमा मिटि अपार। हनुमान जी पवन शुद्ध है, हवा है, वायु है, वो वायु है। वो जो डायलॉग है वो सरासर गलत है, वो हनुमान जी की कहीं भी वहाँ नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि रावण की सभा में जब लंका जल रही थी कि तेल भी तेरे बाप का, लंका भी तेरे बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप का। सुंदरकांड को पढ़िए, जही मारा तो तही में मारे। जब सीता जी को भेंट करने के कहे तो कहे भूख लग गई क्या खाए, तो कहे सीता जी कह रहे हैं जो कि यहाँ पे राक्षस की रखवाली है, कहा जो कि इसकी हमको आपकी यदि आशीष है हमको तो कोई हमको डर नहीं है राक्षसों की। गाली कभी शब्द नहीं निकला है राम के शब्द मुँह से, लक्ष्मण से, हनुमान जी से कभी गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी के बहन भाई को नहीं कहा गया है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पद नहीं मिला है, दोनों विष्णु अवतार हैं, लेकिन राम और कृष्ण में अंतर है ना। अरे लेकिन जो लेखक हैं वो भी तो हिंदू हैं, हिंदू होने का मतलब वो कह दे जो कि हम अभी रात है तो हम रात मान लें, दिन को रात मानिएगा। लेखक होने का मतलब ये नहीं है जो किसी चीज, अब हनुमान मंदिर में कहें हम, जब हम काली जी मंदिर में बैठे हुए हैं तो कहने से नहीं होगा, हकीकत पे आना होगा। तो आप लोगों के हनुमान और जो फिल्मों के हनुमान हैं उसमें कोई समानता ही नहीं है। नहीं। तो
जो आस्था के राम हैं, हनुमान हैं, वो अभिव्यक्ति के राम और हनुमान तक आते आते बदल जाते हैं, और इसी बदलाव को लेकर विवाद है, और उसी विवाद की पड़ताल न्यूज़ 24 कर रहा है कुछ और जगहों से, कुछ और लोगों की जुबानी। आप देखिए आदि पुरुष पर मौजूदा विवाद और उस पर हनुमान भक्तों राम भक्तों की राय।